नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। रक्षा रक्षक गणाध्यक्ष रक्षा त्रिलोक रक्षका भक्ता नाम भयम करता ताता भव भवान मत द्वय मातर कृपा सिंधु शाण मातरा ग्रजो पर वरदस्तम वर देहिम वांछित 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 पदार्थ देने वाले। और इसी के साथ ही अगर दिन के मामले में प्रदोष का भी व्रत का पालन करने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर बुधवार श्री प्रदोष मिल जाता है तो क्या कर सकते हैं, इसमें सुबह जल्दी उठ के स्नान तो सबसे पहले करना ही है। स्नान करने के बाद आप साफ और स्वच्छ व्रत करने से पहले वस्त्र जरूर पहन लें। घर के मंदिर में दीपक का प्रज्वलन ये तो बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। और अगर संभव है तो प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। प्रदोष हरे सब दोष यहाँ तक कहा गया है। ये व्रत भगवान भोलेनाथ को अर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ के लिए ही रखा जाता है। तो पुष्प भोलेनाथ को, माता पार्वती और गणेश भगवान को ज़रूर अर्पित करें तो इससे आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएँ भी सिद्ध होंगी। क्योंकि प्रथम पूज्यत गणपति, यानी कि सबसे पहले नाम के प्रभाव के कारण गणेश भगवान पूज्यत हैं। सात्विक चीज़ों का भोग हमेशा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से व्रत उपवास होता है इसमें भगवान शिव की आरती इत्यादि करने का भी विधान होता है। कोशिश करें प्रदोष वाले दिन अधिक से अधिक भगवान की ध्यान करें। तो बुधवार 24 अगस्त 2022 को प्रदोष का व्रत है, सुबह 8:31 से और समाप्ति 25 अगस्त 10:38, ये प्रदोष का काल रहने वाला है। तो इसलिए स्नान ध्यान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र इत्यादि रख के स्वच्छ मन स्वच्छ तन और स्वस्थ तन, ये दोनों ही तीनों बातें एक ही हैं। तो गुरुजी, अब दर्शकों को बताइए कि आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, थोड़ा सा आज सावधानी रखिएगा और सतर्कता बरतने के लिए तैयार रहिएगा। विदेशों से जो आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं, बड़ी डील उनको संभव है। नौकरी में कार्यरत है वो घर से दूर, परिवार के सदस्यों से मिलन भी संभव है। संतुष्टि मिलेगी किसी रुके हुए काम को पूर्ण होने के बाद। आज का दिन लेकिन सावधानी रखने वाला है। क्या करें, नियम बना लें, हर पूर्णिमा जब भी आए चंद्र को अर्घ देने की। अभी एक पूर्णिमा आने वाली है, उससे पहले आप तैयारी कर लें हर पूर्णिमा पर चंद्र को अर्घ देना। अर्घ मतलब जल देना। शुभ अंक 16, शुभ रंग लाल। बात करते हैं वृषभ राशि की। वैवाहिक जीवन, मैत्री, पार्टनरशिप सब आनंददायक रहेगा। पुरानी आदतों को आपको कुछ परेशानी दे सकती हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। इनको छोड़ने की आप पूरी कोशिश भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। जो लोग अपने साथी के प्रेम में हैं, दाम्पत्य में हैं, परिणय में हैं, वो किसी काम की तरफ ध्यान कम दे सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। इसलिए कुछ उनको नुकसान भी हो सकता है। बौद्धिक मानसिक बोझ से छुटकारा विद्यार्थियों को ज़रूर मिलेगा। उनकी लाइन क्लियर होगी, उनका एक एरिया मिलेगा। किसी सुहागिन को हरी चूड़ी ले लें और उपहार के स्वरूप में दे दें। लाल रंग शुभ है, 9 का अंक आपके लिए बेहतर है। वृषभ राशि के बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, लव पार्टनर इत्यादि के लिए आकर्षण बढ़ेगा। आपका अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताने की इच्छा होगी। दाम्पत्य जीवन इत्यादि भी मधुर रहता हुआ दिखेगा। वाणी अगर आपको मधुरता आपको बनाए रखना है तो आपको हर परिस्थिति से आप मुकाबला कर सकते हैं। फाइनेंस से जुड़े हैं उनको स्कीम में जल्दी जल्दी रईस अमीर बनने की स्कीमों से दूर रहना चाहिए। फाइनेंस से काम करते हैं तो कोई इनकी स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकता है। शनिदेव को तेल से बने व्यंजन इसका भोग लगाएं। शुभ अंक 12, शुभ रंग नारंगी। बात करेंगे कर्क राशि। उत्तरार्ध यानी कि अभी थोड़ा सा समय आधार्मिक कार्य मांगलिक कार्यों में संलग्न होने का मौका मिलेगा। सामाजिक कार्यों में भी आपका खूब मन लगता हुआ देखा जा रहा है। गलतफहमी को दूर रखें, व्यवहार में नरमी बरतें, अन्यथा कोई बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। तो व्यवसाय में केवल लाभ ही नहीं विस्तार की भी सोचे तो अच्छा रहेगा। काले कंबल ले लें और एक जोड़ा या दो जोड़ा जरूर दान करें। 17 का अंक और सफ़ेद रंग, कंपोजिट नंबर 17 का आप भी हो सकता है। तो ये आपके लिए आज का लकी चार्म लकी नंबर। बात करते हैं सिंह राशि की। सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने इष्ट मित्रों के साथ सौभाग्य इत्यादि का आपको दर्शन होगा। प्रमोशन ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह मन्नत पूरी होगी। तो व्यापारियों के लिए
मनचाहा लाभ इत्यादि मिल सकता है। घरेलू समस्या का समाधान निकालने में भी आप जरूर सफल रहेंगे, यात्रा भी हो सकती है, संभावना आपको दिख रही है। क्या करें, बेसन के लड्डू ले लें और भोलेनाथ शिव जी के मंदिर में चढ़ाएं। शुभ अंक 15, कंपोजिट नंबर 6, हरा। कन्या राशि की बात करें, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले हैं यदि, या कोई आपका काम फंसा हुआ है, उसमें सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेगी आपकी फाइल। शत्रु से जुड़ी हुई चिंताओं में कुछ कमी आती हुई नजर आ रही है, हालांकि उनसे आपको हमेशा हमेशा से सतर्क रहना चाहिए। सत्ता के उत्तरार्ध में आपके कार्य में सीनियर और जूनियर दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, उचित व्यवहार भी आपको प्राप्त होगा, उचित व्यवहार आप दे भी पाएंगे। शुक्रवार क्या करें, किसी भी गरीब बच्चे को दूध का दान करें, ये उपाय आपको एक बार से चार बार करना है। 13 का अंक केसरिया रंग अच्छा है, कंपोजिट नंबर 4। तुला राशि की बात करें, इस दौरान आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। रिसर्च इत्यादि करने का काम करने वालों के समय शुभ साबित हो सकता है। मांगलिक कार्य भी घर पे संपन्न हो सकते हैं। हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। तो इस आमोद प्रमोद के समय आप एक कार्य छोटा सा कर लीजिए, हरा रुमाल अपने पास रखेंगे, वो लकी चार्म की तरह होगा और आपकी किस्मत बढ़ाएगा। फिरोजी रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। तो ये हमने देखा अभी तक तुला। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो आज आपके लिए उन्नति दिलाने वाला दिन है। आपका कोई किया गया पहले से अगर निवेश है तो वो अब आपको मुताबिक मन के लाभ दे सकता है। ससुराल पक्ष इत्यादि से अनबन चल रही, जीवन साथी की अनबन चल रही तो समाप्त हो सकती है। आपको सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलेगी और हर व्यक्ति आपकी तारीफ करता हुआ नजर आ सकता है। अधिकारी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या करेंगे, गुरुवार को केले के पौधे की अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित आपको लाभ होगा। गुलाबी रंग शुभ है और 16 का अंक भी आजाद के लिए बहुत उत्तम, प्रतिष्ठा बढ़ाता हुआ दिख रहा है। धनु राशि की बात करें, निभाने के लिए आपको अपने ही प्रयत्न से अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। रिश्तों को सुखमय रहेगा, एक के बाद एक शुभ सूचना मिलेगी, जीवन सुखमय रहेगा। माता जी को यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा हो तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का या कुछ प्लान करने का मांगलिक उत्सव आपका अंत हो सकता है। उपहार इत्यादि का भी लाभ होगा। क्या करेंगे, शिवलिंग पर कच्चा दूध ले और चांदी के लोटे से यदि संभव हो तो जरूर चढ़ाएं। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 3 का। धनु राशि के बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी आर्थिक समस्या को लेकर यदि आप परेशान थे तो अब आपको कुछ मदद मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम इसके लिए ये सप्ताह यानी आने वाले समय में शुभ है। संतान पक्ष से जुड़ी हुई उपलब्धि से आपका मान सम्मान इत्यादि बढ़ेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम कहा जा सकता है। आर्थिक समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। श्री गणेश जी को दूर्वा की 11 गांठ अर्पित करें। हरा रंग शुभ है, 7 का अंक आज आपके लिए बहुत ही अच्छे फल देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन वैसे तो एक लाभदायक दिख रहा है। कोई लेन देन से जुड़ी समस्या आपकी है यदि तो सुलझती हुई दिख रही है। कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से आपको मन प्रसन्न भी होता हुआ देखा जा रहा है। आप किसी व्यक्ति को दिया हुआ धन वापस आपको मिलता हुआ देखा जा रहा है। कुंभ राशि के जातक आज कुछ लाभ की स्थितियां बन सकती है। शिवलिंग पर क्या करें, चने की दाल ले लें और शिवलिंग पे अर्पित करें, आपके लिए अच्छा है। नीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 8 का। अब हम बात करेंगे इसी क्रम में अंतिम राशि मीन राशि के लिए। आज का दिन कुछ थोड़ा मुश्किलें लेता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए। जिंदगी में कुछ हल्की उथल पुथल हो सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। गलत हो सकता है कुछ आपके साथ, धन कमाने का किसी गलत रास्ते से अगर उपयोग पिछले किया होगा तो परेशानी में पड़ सकते हैं। परिजन से मिलकर कुछ आपको समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वैसे बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। शनिवार को तेल का दान करना आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक 14, शुभ रंग भूरा। तो दर्शकों, आपने देखा मेष मीन मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 24 अगस्त 2022 त्रयोदशी तिथि का मान पुनर्वसु नक्षत्र और भाद्रपद कृष्ण मास बुधवार का दिन। शुभ समय 10:57 से 12:45, राहुकाल 12:29 से 2:03 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-365-24, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।